यानी बेबस है, लाचार है। आज उसे उस गुनाह की सजा मिल रही है जो उसने किया ही नहीं है। बीच बाजार में विप्लव की माँ उसे मार रही है, पीट रही है, उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है जो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। मेरी हालत देख के आपको समझ आ रहा होगा इनने कितना सुनाया होगा, क्या ही मुझे भरे बाजार में बेइज्जत करा है। एक बार और सुना चुकी है, अब उससे बहुत ज्यादा लेवल ऊपर मुझे अब सुनाया गया है। राह चलता हर कोई बस तमाशा देख रहा था। धानी के बचाव में अगर कोई आया तो वो थी मम्मी जी। इन भरे आम में अगर किसी औरत की इज्जत उछाली जाए तो एक फर्ज बनता है, उस इंसानियत के नाते मैं उसे सेव कर रही हूँ। एक औरत ये है जो औरत पर अत्याचार कर रही है और एक औरत ये है जो इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रही है। मम्मी जी आपने बहुत अच्छा काम किया। धानी के दिल से तो आपके लिए दुआ ही निकल रही होगी कि बीच बाजार में आपने उसकी गरिमा को और लूटने से बचा लिया। सच में ये लोग कैसे होते हैं ना, सगाई तोड़ी विप्लव ने और सजा मिली धानी को। हमको बहुत ज्यादा गुस्सा है धानी पर कि इनकी वजह से जो है हमारे बेटे की सगाई रुक गई है, इसलिए बाबूजी बहुत अपसेट है। बाबूजी अपसेट है तो हम भी बहुत अपसेट है। तो हमने आज जुगाड़ किया कि भाई त्रिपुरारी, इनका ही बेटा है त्रिपुरारी, उनको कहा त्रिपुरारी हमको इस लड़की से मिलना है और इसकी जो है खींचनी हमको टांग। समाज में हो रही कुरीतियों को दिखाने के लिए सीरियल बनता है, लेकिन सीरियल में जो दिखाया जाता है उसे भी बहुत से लोग देखते हैं और फिर घर में आजमाते हैं। अब इतना गंभीर सीन देखकर राइटर से तो यही कहेंगे कि जल्दी से धानी और विप्लव की शादी करवाइए ताकि अच्छी अच्छी चीजें लोगों को देखने मिले। मुंबई से पारस कोठारी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।